मैग्नेटिक इफेक्ट्स की मेन थ्योरी होने के बाद अब हमारा एम है NCERT के पहले क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद CBSE बोर्ड लेवल के क्वेश्चन और उसी के बाद नीट और जेई लेवल के क्वेश्चंस को लिया जाएगा उसी सीरीज में। अब ये टाइम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मतलब आपके फोर्थ चैप्टर जो है उसके कुछ क्वेश्चंस को लेने का। तो वैसे तो कोई खास मुश्किल नहीं है, पर फिर भी मैंने आपके सामने सॉल्व करके रख दिए हैं। अब अपना आंसर मेथडोलॉजी खुद ट्राई करें पहले, फिर इसे चेक कर सकते हैं। आइए, ये पहला क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया करें और फिर सॉल्यूशन देखा करें। एक वायर है, रेडियस दिया हुआ है, हमें उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉयल का स्ट्रेट फॉर्मूला मेरे पास है, म्यू डॉट एन आई बाय टू आर। आपने बिल्कुल आराम से वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई की पूरी वैल्यू होती है 10^-7, तो म्यू नॉट क्या बन जाएगा, 4 पाई × 10^-7। वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास आंसर π × 10^-4 आ गया। स्ट्रेट फॉर्मूला, नथिंग स्पेसिफिक। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, देखो लॉन्ग लिखा हुआ है ना, यहीं पर भी लॉन्ग लिखा हो, टेक्निकली इट मींस इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब आपके दिमाग में इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, म्यू नॉट बाय 4π/2i/A r। वैल्यू देखिए, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर म्यू नॉट बाय 4π सीधा 10^-7 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 3.5 × 10^-5 टेस्ला इसका आंसर आ गया। स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से दोनों, ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड ही। देखिए, पढ़ लीजिए इसको। इसमें भी आपको एक वायर के अक्रॉस मैग्नेट फील्ड निकालना है थोड़ी दूरी के ऊपर। सवाल इसमें है जो डायरेक्शन पर बेस्ड है वो उसको थोड़ा आपने समझना है। हमारे पास वायर जा रही है नॉर्थ से साउथ के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमारे को ईस्ट ऑफ वायर पर। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो आप सिंपल निकाल लीजिए स्ट्रेट फॉर्मूला, अब रह गया डायरेक्शन। इसको वही थंब रूल से हम निकालने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में भी जरूरी है और आपके बोर्ड में भी। आइए इसको देखें, ये देखिए, ये मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, मैंने ऊपर नॉर्थ बना दिया और अब करंट नॉर्थ से साउथ जा रही है। अब मैं इस पर अपना थंब लगा दूंगा, थंब रूल से मुझे निकालना है ईस्ट ऑफ वायर, मैंने इसके राइट साइड के ऊपर, देखिए मैं थंब लगाया तो यहां पर इसका आंसर ऐसा आ जाएगा, मैंने फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ इट, मैंने यहां पर डॉट दिखा दीजिए, या कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर लिख देंगे आप एग्जाम में, यही इंपॉर्टेंट है। डॉट बनाएंगे तो भी काम चलेगा क्योंकि हमको चाहिए इसके ईस्ट पर, वेस्ट पर पूछता तो अंदर जा रहा था लेकिन यहां पर ईस्ट पर चाहिए। आप हमेशा देखिएगा किस पॉइंट पर निकालना है, क्योंकि एक पॉइंट से फील्ड बाहर निकलेगा तो दूसरे से अंदर भी जा रहा है। नेक्स्ट करंट देखिए, ये भी आपके पास पावर लाइन का क्वेश्चन आ गया इसी प्रकार का। इसमें क्या है, उसने कहा करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रही है और बिलो चाहिए आपको, करंट ईस्ट टू वेस्ट बिलो चाहिए। आइए, ये करंट मैंने बना दिया ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ बना दिया, अब इसमें हमें बिलो द लाइन चाहिए, मैंने मेरे हाथ का अंगूठा जाना चाहिए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और करंट नीचे, अब मुझे चाहिए का इस बिनीथ इस पॉइंट के ऊपर 3D में नीचे वाले पॉइंट पर, तो मुझे ये कितना आएगा, साउथ की तरफ चलता नजर आएगा। इस 3D में देखिए साउथ की तरफ मुझे नजर आएगा, वैल्यू तो मेरी स्टेट वही थी। अगर मैं यहीं पर मैं इसके ऊपर पूछता तो मेरा आंसर ऊपर की तरफ, मेरा टुवर्ड्स नॉर्थ होता, लेकिन ये वाला आंसर मेरा टुवर्ड्स साउथ है। आई होप इनसे आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ आइडिया क्लियर हो चुका होगा। आइए आगे चलते हैं। यहां पर आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, घबराना नहीं बेटा, लेंथ 1 मीटर दी हुई है, सीधी सी बात है, आपको लेंथ मालूम है, करंट मालूम है, एंगल मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, और आपको फोर्स किस में चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। फॉर्मूला याद है, IL क्रॉस B, इसको हम
स्केलर फॉर्म में कर देंगे, आई एल बी साइन थीटा में कर देंगे, हमारी वैल्यू स्ट्रेट अवे आ जाएगी 0.6 न्यूटन मीटर, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ये ध्यान दीजिएगा, ये 4.5 जैसा ही क्वेश्चन है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड सोलेनोइड देख करके। देखिए सोलेनोइड का फील्ड आपको दे रखा है, आपको सोलेनोइड का फील्ड निकालना आता है म्यू नॉट एनआई से, लेकिन इसने सोलेनोइड का फील्ड तो दे रखा है, तो जिस म्यू नॉट एनआई की आप बात करें वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसने तो अंदर उसके अंदर एक छोटी सी वायर रख दी है 3 सेंटीमीटर की, उस पर आपको फोर्स निकालना है। अब तो 3 सेंटीमीटर की वायर है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा आपको कितना 0.27, तो अगेन परपेंडिकुलर रख दिया है, मतलब एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। आप स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा देंगे, साइन थीटा 1 है, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसको देखिए, अब देखो इस वाले में आपके पास दो वायर्स हैं, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे वायर मांगा है। देखो आपके पास जो दो कंडक्टर्स के बीच का फॉर्मूला है F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π2 I1 I2 अपॉन R, वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो हमारे पास इसमें लेंथ कितनी है, हमको 10 सेंटीमीटर वायर की ऊपर लगने वाली फोर्स निकालना, तो हमारे पास L 10 सेंटीमीटर हो गया। याद रखना अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि 10 सेंटीमीटर A की वजह से B पर लगने वाली फोर्स, तो भी इतनी ही आएगी। कंडीशन सिर्फ इतनी है, दोनों वायर्स इनफाइनाइट होनी चाहिए। और यहां पर इसने वर्ड दे दिया टू लॉन्ग, जहां पर वर्ड लॉन्ग दे दिया, मैंने आपको अभी कहा था इट इज बेसिकली इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के आसपास का फॉर्मूला मुझे लेना है। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला आपके पास है, हमने L से मल्टीप्लाई कर दी और L मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा आप, और ये फोर्स देखिएगा न्यूटन पर मीटर आएगी, क्योंकि आपको एक मीटर पर लगने वाली फोर्स निकालनी है। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास सोलेनोइड है 80 सेंटीमीटर लंबी है, 5 लेयर है 400 टर्न्स की, डायमीटर ऑफ सॉलिड 1.8 सेंटीमीटर है, सॉलिड में करंट इतनी है, आपको बी इनसाइड द सॉलिड, देखो शब्द क्या है बी इनसाइड द सॉलिड नियर इट्स सेंटर। जब मैंने आपको डेरिवेशन बताया था तब आपसे कहा था नियर सेंटर म्यू नॉट एन आई ए और एक्सट्रीम एंड्स पर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 है, तो इसने कंडीशन क्लियर कर दी, मुझे सेंटर के नजदीक चाहिए। अब फॉर्मूला आपको याद होगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, एन निकालना है, एन देखिए क्या 5 लेयर हैं, वाइंडिंग्स कितनी है 400, तो 400 इंटू 5 ये लेयर हो गई, लेकिन इसका एन की वैल्यू 2000 नहीं है, याद रखिएगा। क्यों, एन क्या होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये कितनी देर में है 80 सेंटीमीटर में, तो आपको पर यूनिट निकालने के लिए इसको 0.8 से डिवाइड करना है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है सर इस डायमीटर का हम क्या करेंगे जो सोलेनोइड का दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, याद रखिए ये डायमीटर आपको किसी काम के लिए नहीं दिया, सिर्फ ये बताने के लिए दिया कि आप आइडियल सोलेनोइड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको आइडियल सोलेनोइड क्या बताया गया था कि कोई भी ऐसा सोलेनोइड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, यहां देख सकते हैं लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 0.9 सेंटीमीटर, बहुत छोटा है, इसीलिए आप म्यू नॉट एन आई को कंफर्टेबली लगा पाए, इस 1.8 सेंटीमीटर की कोई यूटिलिटी नहीं है आपके उस काम में। एन देखिए मैंने निकाल दिया और वैल्यू पुट कर दी, क्लियर हो गया आपको, ये आपने क्वेश्चंस किए। और चलिए आगे और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ये देखिए हमारे पास एक स्क्वायर कॉयल है, 20 टर्न्स है, करंट है 12 एम्पियर, कॉयल को हमने टांग रखा है वर्टिकली। अब देखिए नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.8, क्वेश्चन है व्हाट इज द टॉर्क। अब ध्यान दीजिए टॉर्क का, हमारे पास जब भी कोई करंट कैरिंग कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में होती थी उसका टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास है टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए कॉस थीटा, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए थीटा क्या होता था,
जो प्लेन ऑफ द कॉयल था उसका एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉयल का। लेकिन इसने क्या बताया, नॉर्मल टू दी प्लेन का एंगल। तो नॉर्मल टू दी प्लेन का एंगल अगर 30 है तो प्लेन ऑफ कॉयल का एंगल 60 हो जाएगा। डायग्राम से समझिए, यहां पर मैंने थीटा को 90 माइनस फाइव कर दिया। और हमेशा याद रखें, जब भी आपको एंगल बताया जाएगा नॉर्मल ऑफ दी प्लेन से, तो आपके पास साइन थीटा लगेगा, और जब प्लेन ऑफ दी कॉयल का एंगल दिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, तब कॉस थीटा लगेगा। ये देखिए, दूसरे फॉर्म से याद याद कर सकते हैं आप। टॉर्क क्या था, पी क्रॉस ई इलेक्ट्रिकल में डाइपोल के ऊपर, मैग्नेटिक में क्या होगा, एम क्रॉस बी, एम बी साइन फाइव। अब इसमें एम का डायरेक्शन क्या होती थी आपको याद होगा, एम वॉज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम वॉज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो आई ए था आपको याद होगा, आई ए करंट इंटू एरिया, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब आप डायग्राम देखिए, ये हमारा पुराना डायग्राम था जिसमें थीटा हमने इस बी से एंगल मैग्नेटिक फील्ड का लिया था। बी क्या है, प्लेन ऑफ द कॉयल। लेकिन यहां पर इसने क्या बोला, नॉर्मल टू द प्लेन। आइए देखते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब ये वाला फोर्स। तो इसका एंगल जब ये बनेगा, तो याद रखिए इन दोनों का सम तो 90 होगा, बिकॉज दिस इज नॉर्मल। तो इसलिए कॉस थीटा ये है और फाइ ये है। जहां पर आपको नॉर्मल टू द प्लेन दिया जाएगा या एरिया वेक्टर बोल दिया जाएगा, दोनों केस में एंगल फाइ लगेगा। अब हमारे पास फाइ की वैल्यू 30 डिग्री है, वी कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द वैल्यू ऑफ 0.96 न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है, याद रखना। फोर्स इंटू डिस्टेंस इन दिस केस इज नॉट जूल, वो स्केलर में होता है, और वेक्टर में इट इज न्यूटन मीटर। ये रहा फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अगला वीडियो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के न्यूमेरिकल्स का सेकंड दिया जाएगा, जिसमें अभी इसी टॉपिक के एनसीईआरटी के और क्वेश्चन दिए जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज डू देम एंड स्ट्रेंथन योर नॉलेज। आप और आगे बढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में आपको और ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। थैंक यू।